हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास मुस्कान में। तो आज मैं आपके लिए क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका रियल नंबर, उसके बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आया हूँ। क्लास टेंथ चैप्टर जो फर्स्ट है डेट इज रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। क्लियर है? इसके इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके बारे में समझेंगे, पूरी जानकारी लेंगे ये क्या होता है, रियल नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका सिलेबस, यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सिलेबस जो रिड्यूस हो गया है, कुछ टॉपिक्स कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। अब ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, मैं पूरा सिलेबस कराने वाला हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ वही टॉपिक्स लिए हैं जो आपके सिलेबस में आएंगे, यानी जो आपके 2023 और 2024 वाले सेशन में, सेशन 2023 और 24 वाले में सिलेबस कवर होने वाला है, जो सिलेबस आने वाला है, जो बच्चे 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मैंने सिर्फ उन टॉपिक्स को ही लिया है जिनको आपको पढ़ना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है मैंने सारे टॉपिक्स को लिया हो, मैंने सिर्फ उन टॉपिक्स को टच किया है जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि रियल नंबर्स, मैं आपको बता दूँ, हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे, मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो हिंदी वाले बच्चे भी समझ सकते हैं और इंग्लिश वाले भी। तो रियल नंबर्स जो होते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रियल नंबर्स की। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, मैं बता दूँ आपको, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रैशनल नंबर जिसको आप परिमेय संख्या के नाम से जानते हो हिंदी में, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर जिसको आप अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हो हिंदी में। क्लियर है? ये चीज़ें हैं अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर वो संख्या होती हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, लेकिन क्यू जीरो के बराबर ना हो। ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करूँ, 2/3, 5/6, 0, 1/2, ऐसी जो नंबर्स होती हैं, ऐसी जो संख्याएं होती हैं, ये होती हैं आपकी रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। अगर मैं आपसे बात करूं इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं, तो ये होती हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। एग्जांपल के लिए समझें आप, रूट वाली नंबर्स जो होती हैं जिनका रूट नहीं निकल सकता है, वो सारी नंबर, इसमें आप पाई को भी इंक्लूड कर सकते हो, वो आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, रियल नंबर्स के अंदर आपके रैशनल नंबर्स आते हैं और इरेशनल नंबर्स आते हैं। तो इनकी जानकारी ये है कि रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जबकि इरेशनल को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसमें सभी रूट वाली नंबर्स आती हैं, लेकिन याद रहे रूट वाली नंबर वही जिनका रूट नहीं निकले। आई मीन टू से अगर आप रूट 4 की बात करो, तो ये आपकी नंबर कैसी है, ये आपकी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका रूट निकल के आ जाएगा +-2, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, ये आपकी परिमेय संख्या है। तो रूट में वही संख्या रखनी है जिनका रूट नहीं निकल सकता है, वही आपकी अपरिमेय संख्या होंगी। यहाँ तक आपको क्लियर होगा? आइए थोड़ा आगे देखते हैं। आइए अब बात करते हैं प्राइम फैक्टर की, क्योंकि क्वेश्चन प्राइम फैक्टर से ही पूछा गया है। जैसा कि आपको पता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो था वो हटा दिया गया है सिलेबस से, इसलिए हम डायरेक्ट उन पॉइंटों की बात करेंगे जो आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है प्राइम फैक्टर्स को, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है छोटी क्लासेस में। प्राइम फैक्टर मीन्स ऐसे फैक्टर जो प्राइम नंबर हों। आई मीन टू से अगर आपको 20 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, जिस तरीके से आप हमेशा से करते आ रहे हो वही काम आपको करना है। तो ये 20 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2, 2 और 5। ध्यान से सुनिएगा, देखो एक होता है फैक्टर, एक होता है प्राइम फैक्टर, इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि फैक्टर में सभी फैक्टर आते हैं। अगर मैं 20 के फैक्टर करना चाहूँ, तो देखो 1, 2,
फोर फाइव और टेन और ट्वेंटी, ऐसे नंबर जो 20 को काट दें वो सभी इसके फैक्टर होंगे। 1 से 20 को डिवाइड कर सकते हो यानी काट सकते हो, 2 से 20 को डिवाइड कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो और 20 से भी कर सकते हो, पर प्राइम फैक्टर वही होते हैं जो प्राइम हो। जैसे कि इसमें से आ गया 2, इसमें से आ गया 5, तो 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर हैं। जैसा कि अभी आपने यहाँ निकाला था 2, 2 और 5, ये होते हैं आपके प्राइम फैक्टर। तो आपसे सिंपली प्राइम फैक्टर्स निकलवा लेगा, कोई नंबर देगा आपको, फॉर एग्जांपल आपको उसने कोई नंबर दे दी कि 360 को एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस करना मतलब दर्शाना, दर्शाइए अभाज्य गुणनखंड में। प्राइम फैक्टर क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। हिंदी वाले साथ के साथ समझते जाएं, अभाज्य गुणनखंड। तो 360 के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं और इसको एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर में। पहले आपको 360 के प्राइम फैक्टर कर लेने हैं, तो आपको ये आता ही होगा 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। तो इसका जो आंसर होगा 360 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 और 2, 2, 3, 3, 5, और यही आपका आंसर होगा। इज डैट क्लियर? आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बहुत ही सिंपल पेपर आने वाला है इस बार, अगर आप अच्छे तरीके से टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, इसके चलते आपको बहुत कम चीज़ें और बहुत आसान चीज़ें पढ़नी है। अब आप बताइए, क्या इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात थी? आपको सिंपली इसको प्राइम फैक्टर करना है और यही आपके सिलेबस में है। फर्स्ट चैप्टर में आपसे प्राइम फैक्टर करवाएगा, तो प्राइम फैक्टर करना बहुत आसान है। एक टॉपिक यानी प्राइम फैक्टर टॉपिक को हमने क्लियर कर लिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सब आपने पहले ही पढ़ रखा था, पढ़ते आ रहे हो, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, तो ये आपके लिए आसान बात थी। तो क्वेश्चन आएगा कि 360 को अभाज्य गुणनखंड में दर्शाइए, यानी उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में दर्शाइए, यानी उसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। लैंग्वेज किसी भी तरीके से पूछ सकता है, एक्सप्रेस 360 इन प्राइम फैक्टर, तो आप 360 को प्राइम फैक्टर में कैसे दर्शा सकते हो? उसके प्राइम फैक्टर करके, और ये आपने लिख दिया। इज डैट क्लियर? आइए कुछ अलग टॉपिक की बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए स्टूडेंट, अब मैं आपसे बता दूं, अब हम बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। तो आप कहोगे सर ये क्या सिखा रहे हो आप हमें, एलसीएम एंड एचसीएफ तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, यही टॉपिक्स हैं। आप चाहो तो वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, यो आपकी यूपी बोर्ड की वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो सिलेबस क्या है, यही सिलेबस है। इसके अलावा एनसीईआरटी की न्यू बुक है, जो कोर्स को रिड्यूस करके प्रिंट हुई है, उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। यही सारी एक्सरसाइज हैं, पहली एक्सरसाइज में इन चीज़ों से ही टच करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। सिंपली आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ना है, इससे अलग आपके पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला है। आप बस हमारे चैनल को फॉलो करें यानी कि सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को कंटिन्यू फॉलो करते रहें, और आपको समय समय पर जो चीज़ें आनी चाहिए वो मिलती रहेंगी, और वही मिलेगा, वही कंटेंट मिलेगा जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आइए अब हम बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ की। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, एलसीएम भी आता है हमको निकालना और एचसीएफ भी आता है। ठीक है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है बताने का, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे आपसे वो कहेगा कि 20 और 30 का एलसीएम निकालो, तो आप कहोगे सर क्या करवा रहे हो आप, 20 और 30 का एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम निकालना तो बहुत आसान है, हम इसके प्राइम फैक्टर के तरीके से निकाल सकते हैं, 2 से 15 बार, 2 से 5 बार, 15 का 15, फिर 3 से 5 का 5, 3 से 5 बार, फिर 5 से जाएगा 1 और 1। तो इसके 20 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, यानी 2 × 2 × 3 × 5, तो 5 × 3 = 15, 30 और 60, तो इसका एलसीएम आ चुका है 60। वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूँगा इसका एचसीएफ निकाल दो, ये तो आपने एलसीएम निकाल दिया इनका, अब मैं आपसे कहूँगा इनका एचसीएफ निकाल दो 20 और 30 का, तो आप कहोगे सर वेरी सिंपल, हम सबसे पहले 20 के फैक्टर करेंगे, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार, उसके अलावा 30 के फैक्टर करेंगे, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार और 5 से 1 बार।
अब हम देखेंगे 20 के फैक्टर क्या आए थे, 2, 2 और 5, और 30 के क्या आए थे, 2, 3 और 5। तो हमने देखा एक तो ये पेयर बना, एक 5 बना। सर बचपन में करते थे, हमें आता है, हम बचपन में ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। 2 × 5 यानी ये होता है आपका 10, ठीक है। तो इसका जो HCF है, इसका जो HCF है वो आ चुका है आपका 10, बिल्कुल सही पकड़े हो। ये HCF आपका 10 आ गया है और LCM आपका 60 आ गया है। तो क्या सर हमें यही पढ़ना है? बिल्कुल सही पकड़े हो आप, बिल्कुल आपको यही पढ़ना है। इससे अलग आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वही चीज़ें पढ़नी है, वही आपके फर्स्ट चैप्टर में पूछी जाएंगी। इससे अलग आपका सिलेबस आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑफिशियली वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया गया है वही सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 60 LCM आ गया, 10 HCF आ गया, चलो ओके। अब एक और बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो समझने की कोशिश करना। LCM बेसिकली होता क्या है, 20 और 30 जिस नंबर को काट देंगे वो इसका LCM होता है। 20 और 30 काट देते हैं आपकी 60 को, देखो 20 से 60 में भाग चला जाएगा 3 बार, 30 से चला जाएगा 2 बार, तो 60 इसका LCM है। फिर आप कहोगे सर ऐसे तो 120 को भी 20 काट देती है और 30 भी काट देती है, फिर LCM 60 ही क्यों है, 120 क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, देखो LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, 120 को भी काट देगा, लेकिन आपको छोटे वाला लेना ना, 120 से पहले कौन सा जिसको काट देगी वो 60 है, तो 60 हो गया। अब 20 और 30 को जो नंबर काट देती है वो होता है HCF। देखो इसमें क्या था, 20 और 30 किसको काट रही थी, इसमें क्या है 20 और 30 को कौन सी नंबर काट रही है। फॉर एग्जाम्पल अब आप कहोगे सर 20 और 30 को तो 5 काट रही है और तुम्हारा HCF तो 10 आया है, फिर ऐसे कैसे? तो मैं तुम्हें बता दूँ, HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, उच्चतम होता है, यानी कि अधिकतम होता है। 5 भी काट रही है, 10 भी काट रही है, तो 10 आपका HCF होगा। जो हाईएस्ट नंबर होती है वही आपका HCF होता है। अगर इसमें 20 भी काट रही होती बाय द वे तो 20 आपका आंसर होता। इसमें आपको बड़े वाला देखना है, इसमें आपको छोटे वाला देखना है। सारी चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आइए फिर अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आइए स्टूडेंट, अब एक और टॉपिक है जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक बचेगा जिसको हम अगली एक्सरसाइज को कराएंगे 1.2 को, तो उसमें कवर करेंगे। आइए, एक रिश्ता है जिसको आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा कि LCM इंटू HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये रिश्ता आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, ये रिश्ता आपने पढ़ा होगा कि LCM क्रॉस HCF आपका क्या होता है, LCM क्रॉस HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के बराबर होता है। यानी अगर किसी नंबर का LCM निकाला जाए और HCF निकाला जाए, और LCM और HCF का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इक्वल आता है। मैं इस चीज़ को प्रूव करके भी बताऊंगा, लेकिन पहले जानिए कि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उस पर फोकस करेंगे। आइए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो आपसे इस रिश्ते को, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस रिश्ते को प्रूव करवा ले। कैसे? वो आपसे कहेगा कि LCM क्रॉस HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि लासापा और मासापा का गुणन जो होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इस चीज़ को आप सिद्ध कीजिए। आप क्या करोगे, देखो अभी आपने क्या नंबर ली थी, 20 और 30 कुछ नंबर्स यानी संख्याएं ली थी आपने, और इनका LCM अभी आपने निकाला था पिछली ही स्लाइड में, 20 और 30 का LCM 60, और इनका HCF भी निकाला था अपने, वो आया था आपका 10, सही है। अब प्रूव करने के लिए आप इस फॉर्मूले में रख के देख सकते हो, LCM कितना है भाई साहब 60 है, HCF कितना भाई साहब 10 है, बराबर होना चाहिए इन नंबर्स का गुणनफल यानी प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट क्या है, नंबर क्या है 20 और 30, तो 20 मल्टीप्लाई 30 ये तो होगा 60, और 10 का गुणा जो होता है वो आपका 600 होता है, और 20 और 30 का जो गुणा होता है वो आपका 600 यानी 600 होता है। इज डैट क्लियर? क्लियर है या नहीं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है कि जब भी आप दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करोगे, यानी लासापा और मासापा का गुणा करोगे, तो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही आता है, हमेशा और हमेशा ऐसा ही होगा। तो सर क्या इससे रिलेटिव कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या एग्जाम? तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। आइए समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो आपको एलसीएम दे सकते हैं, एचसीएफ दे सकते हैं, एक नंबर दे सकते हैं, दूसरा नंबर पूछ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर वो आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे दें, मासापा दे दें और लासापा पूछ सकते हैं, तो करना कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको लासापा निकालना हो, यानी एलसीएम निकालना हो, तो कुछ नहीं है, नंबर्स का प्रोडक्ट आपको देंगे। अगर प्रोडक्ट ना दिया हो तो दो संख्याएं दी होंगी, उन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेना, वही तो प्रोडक्ट होता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर संख्या दे दी तो आप गुणा कर लेना और उसके एचसीएफ से भाग लगा देना। तो भाई साहब इतना करते ही आपकी झोली में आंसर गिर जाएगा। ऐसा करते ही आपका लासापा यानी एलसीएम निकल के आपकी झोली में आ जाएगा। अगर मान लो आपसे उसने पूछ लिया, देखो आप नोट्स बनाते जाएं साथ के साथ, किसी भी बुक को फॉलो ना करें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। सिलेबस से रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो सिलेबस जो मैं करा रहा हूं वही टॉपिक्स पूछे जाएंगे, वो सारा मैंने सर्च करके ही कंटेंट को निकाला है और यहाँ पर आपके लिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो अगर मान लो आपसे एचसीएफ पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं है साहब, ऊपर तो प्रोडक्ट होता ही है संख्याओं का, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल होता है संख्याओं का। लेकिन अब अगर एचसीएफ पूछा है तो फिर भाग लगा देना एलसीएम से, ठीक है? इज दैट क्लियर और नो? ये बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है साहब कि वो आपको एलसीएम देगा और एचसीएफ देगा और एक नंबर देगा और दूसरे नंबर पूछ लेगा। तो अगर मेरे को दूसरी नंबर निकालनी है, मैं इसको अदर नंबर के नाम से जानता हूँ, तो मुझे क्या करना है, फिर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और इसमें डिवाइड लगाना है फर्स्ट नंबर से। क्लियर है? ऐसे ही अगर आपको फर्स्ट नंबर निकालनी है तो एलसीएम क्रॉस एचसीएफ दूसरे नंबर से डिवाइड लग जाएगा। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले जो मैंने आपके साथ डिस्कस करें, ठीक है? क्लियर हुआ ये चीज़ें? जी हाँ बिल्कुल। अब आप चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हैं, आपने जो चीज़ सीखी है एग्जैक्ट एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, तो बिल्कुल सिंपल है, आपको पढ़ना ही, आपको बिल्कुल नाम मात्र पढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ों को क्या कर दिया गया है, आपका रिड्यूस कर दिया गया सिलेबस। अब जो चीज़ें आ रही हैं बहुत आसान आ रही हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर अगर आप पढ़ोगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं पूरे चैप्टर में ये चीज़ें, एक और चीज़ रह जाती है रूट दो रूट तीन को इरेशनल प्रूव करना, यानी कि अपरमेय संख्या सिद्ध करना। ये हम एक्सरसाइज 1.2 के जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें चीज़ों को सीख लेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ सकते हो ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मैंने करा दिया है। अगर इस वीडियो को देख लिया तो आप समझ चुके होंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। जहाँ भी जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं स्पेशल उसी क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।